एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में सॉलिड वर्क के अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर ओपन है हमारे पास और हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट्स हमको दिखते हैं। पहला है पार्ट, दूसरा है असेंबली, तीसरा है ड्रॉइंग। तो अभी हम पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट के बारे में पढ़ लेंगे तो हम असेंबली पाएंगे, फिर ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट पूरा वन बाय वन जितने भी लेक्चर मेरे आ रहे हैं उसको आप देखते रहिए। आप उम्मीद करता हूँ कि आप देखने के बाद सॉलिड वर्क के एक एक्सपर्ट डिजाइनर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट पे करके ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो पिछले वीडियोज में हमने इसके GUI के बारे में डिस्कशन कर लिया था, फिर एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कमांड मैनेजर है, ये हमारा मॉडल ट्री है, यहाँ पे रेफरेंस प्लेन है, सॉलिड वर्क रिसोर्सेस है, इसको डिजाइन लाइब्रेरी वगैरह भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो और इधर हमारा व्यू टूल्स है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये अलग अलग टैब है, फीचर्स टैब है, फीचर्स में कुछ कमांड्स हैं, फिर उसके बाद स्केच है, सरफेस है। तो हमको कुछ भी बनाने से पहले स्केच करना सीखना होगा। तो सबसे पहले हम स्केच के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। वैसे तो आप कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपको स्केच की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले स्केच को ही हम जान ले, स्केच पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्केच पे देखते हैं, जैसे आपने ऑटो कैड के भी हमारे लेक्चर देखे होंगे तो उसमें भी स्केचिंग वगैरह जो है आपके कमांड है, लाइन, रेक्टेंगल, आर्क, ये सारे कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए स्केच हमारे यहाँ पे दो तरह के अवेलेबल है, स्केच और 3D स्केच, ये दो तरह के स्केच अवेलेबल है। और उसके बाद डायमेंशन है स्मार्ट डायमेंशन के नाम से, और बाद ये हमारा लाइन है, लाइन का ऑप्शन देख लेते हैं। लाइन को देखते हैं, लाइन हमारा तीन टाइप का है, लाइन, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। अगर आपके पास सॉलिड वर्क का पुराना वर्जन होगा तो ये मिड पॉइंट लाइन उसमें नहीं होगा, अपडेट वर्जन में ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। और भी अगर इससे ज़्यादा अपडेट वर्जन है तो उसमें भी और चीज़ें, हर बार अपडेट होने पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो लाइन का हो गया। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्केच करना है तो सबसे पहले स्केच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी मैनेजर है, प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पे आ गया और ये मॉडल ट्री खसक जाता है ना यहाँ पे। तो प्लस पे आप क्लिक करके यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। चूज करने का जो ऑप्शन है, आप जो ये प्लेन दिख रहे हैं यहाँ से भी आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को, या फिर यहाँ पे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या राइट प्लेन, इसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो स्केच करने के, स्केच पे क्लिक किया और फिर हमने फ्रंट प्लेन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं होता, ये देखिए नॉर्मल नहीं होता है, कैसे मान लीजिए घूम जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल मोड में क्लिक कर देंगे, या इस स्पेस का जो बटन होगा उसको आप क्लिक करेंगे, फिर ये ऑप्शन विंडो आ जाएगा, आप यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने स्क्रीन को नॉर्मल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो टूल है इनको आप यूज करेंगे। लाइन, यहाँ से हमने लाइन को लिया, लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ मैं आपको, टाइप्स ऑफ स्केच के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, क्लिक करके ड्रॉ कर दिया ये लाइन। अब ये लाइन क्या है, इसका कलर देख लेते हैं, कलर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, बहुत ही बारीकी से जानने की, समझने की जरूरत है इसको। अभी क्या है, इस लाइन का जो कलर है ये ब्लू कलर है और यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे लिखा है अंडर डिफाइंड। ये अंडर डिफाइंड स्केच है, इसके बारे में समझते हैं। अंडर डिफाइंड जो स्केच होता है उसका कलर ब्लू होता है, और एक स्केच होता है फुल्ली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड का मतलब, अभी क्या इस स्केच का कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन हमने नहीं दिया है। अब ये किसी भी एंगल पे घूम सकता है, इसकी लेंथ भी डिसाइड नहीं है, और हमारे पास एक नोन पॉइंट यही ओरिजिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओरिजिन पे सेट कर दें, मतलब ये पॉइंट इस ओरिजिन पे अगर लाके रख दें, फिक्स कर दें। देखिए कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको हमको समझना है, उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए, अब हमने इसको लगा के रख दिया है, अब इस पर कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो हाइड में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, रिलेशन, रिलेशन ऑप्शन है ना, व्यू स्केच रिलेशन में क्लिक करेंगे तो देखिए ये कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई है, कॉन्सिडेंट अप्लाई है, पॉइंट और ओरिजिन के बीच में कॉन्सिडेंट है, मतलब वो जो लाइन का पॉइंट है और ओरिजिन है कॉन्सिडेंट है, ये उस जगह को नहीं छोड़ सकता है, मतलब एक कंस्ट्रेंट अप्लाई है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट अभी
इसकी लोकेशन सही नहीं दी नहीं गई है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस लाइन को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के लिए आएगा तो यहाँ पे सामने आ जाएगा। अब हम क्या क्या रख सकते हैं, देखिए हॉरिजेंटल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं या फिक्स रख सकते हैं। तो हम क्या कर दें, हॉरिजेंटल कर दें, हॉरिजेंटल कर दिया। अब देखिए हॉरिजेंटल का कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया। कलर देखिए क्या हो गया, कलर हो गया थोड़ा सा ब्लैक, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा ब्लू है। ब्लू का मतलब है ये लाइन मैक्स ज्यादातर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए, लगभग डिफाइंड हो गई है, लेकिन इसकी लेंथ अभी डिफाइंड नहीं है, मतलब ये फुली डिफाइंड नहीं है अभी भी। तो हमने एक पॉइंट को कॉन्सिडेंट अप्लाई कर दिया, इसको लगा दिया हॉरिजेंटल कंस्ट्रेंट, इस पर अप्लाई कर दिया। अब इस पर एक डायमेंशन लगा दें कि इसकी लेंथ हम अगर बता दें तो ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। हमने स्मार्ट डायमेंशन ले लिया यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मान लीजिए इसकी हमने लेंथ डिफाइन कर दी है 100 की, 100 करके एंटर कर देंगे या ओके कर देंगे। तो अब ये देखिए क्या, ये ब्लू कलर का था लेकिन ब्लैक हो गया है, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, फुल्ली डिफाइंड, मतलब ये जो स्केच है आपका वो फुल्ली डिफाइंड हो गया है। तो ये दूसरे टाइप का स्केच है, पहला था अंडर डिफाइंड जिसका कलर ब्लू था, दूसरा है फुल्ली डिफाइंड जिसका कलर ब्लैक है। ठीक है, अब चलते हैं। ये हॉरिजेंटल अप्लाई है लेकिन इसको हम जबरदस्ती वर्टिकल करना चाहें, ये अप्लाई है फिर भी इसको सेलेक्ट करें, ऑप्शन आएगा, ठीक है इसको वर्टिकल कर दें, देखिए ओके कर दें। इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, रेड या येलो कलर हो सकता है। तो इसमें क्या है, अगर येलो है तो आइटम कॉन्फ्लिक्ट्स है, और रेड है तो आइटम इज अनसॉल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ओवर डिफाइंड, ये क्या हो गया है, ओवर डिफाइंड हो गया है। तो इसके हमारे तीन तरह के होते हैं मेनली, एक होता है अंडर डिफाइंड जिसको जिसका कलर ब्लू होता है, एक होता है फुली डिफाइंड जिसका कलर ब्लैक होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है ओवर डिफाइंड। ओवर डिफाइंड हो जाने के बाद क्या हो जाता है, हमारा जो स्केच होता है जो या तो येलो कलर में हो जाएगा या तो रेड कलर में हो जाएगा। तो हमको जो स्केच करना है वो मैक्सिमम फुल्ली डिफाइंड रखना है, जो स्केच हम बनाएंगे वो फुल्ली डिफाइंड रखना है, वो सही है। ओवर डिफाइंड हम नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, नहीं तो हमारा आगे का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा। ये मैं आपको टाइप्स ऑफ स्केच समझा रहा था, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो वीडियो एक बार रिपीट इसको आप कर लीजिए। चलते हैं, इसको हम एक और भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिलीट कर ले पहले, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये नहीं है, डायमेंशन कोई नहीं है। तो अभी ये सर्कल का लोकेशन और इसकी पोजीशन और इसका डायमेंशन डिफाइन नहीं है। तो इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है, यहाँ पे अंडर डिफाइंड स्टेटस पे भी लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन जो आपके कीबोर्ड में है उसको प्रेस करेंगे, और ओरिजिन पता है हमें, ओरिजिन पे क्लिक किया और इसके सेंटर पे, तो इसके बीच में जो पॉसिबल रिलेशन है वो यहाँ प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। तो हमें क्या कर देंगे, कॉन्सिडेंट अप्लाई कर दें, क्या कर दें, कॉन्सिडेंट अप्लाई कर दें, ओके। तो हमने दूसरा मतलब एक पॉइंट हमने डिफाइन किया, दूसरा क्या है, इसका डायामीटर हमने डिफाइन नहीं किया, तो स्मार्ट डायमेंशन से लेके इसका डायामीटर क्लिक करके मान लो हमने 55 रख दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया फुल्ली डिफाइंड, इसका कलर हो गया ब्लैक। तो इस तरह के हमको जो स्केच जो हम बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि फुल्ली डिफाइंड रहे। ये चीज आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा। और हम आपको आगे की, चूंकि वीडियो लंबी बन रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम इसके आगे का अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।